करने में जनप्रतिनिधि इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें चुना, आपका जो समर्थन इन्हें है, इसलिए लखनऊ आकर के योजनाओं को इस धरातल पर उठाने में सफल हो जाते हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने में सफल हो जाते हैं, विकास में जनपद पिछड़ने न पाए इसमें लोग सफल हो जाते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश तो असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीप और गोबर के दीप जलाए गए। ये अब चीन से नहीं आए, यहीं के कारीगरों ने इसको बनाया, पैसा भी यहीं गया, उसके जीवन में खुशहाली आई और जब वह मिट्टी और गाय के गोबर से बने हुए वे दीप जब घर घर में चले तो लक्ष्मी गणेश जी का प्राकट्य स्वयं हर घर में हो गया, इसलिए तो खुशहाली आ रही है। आपने देखा होगा दीपावली के दिन अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले और वाराणसी ने तो देव दीपावली में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 30 लाख से अधिक दीप एक साथ जला करके काशी के लोगों ने देव दीपावली के अवसर पर साथ साथ स्थापित कर दिया कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देवता भी काशी में पधार करके उन्होंने काशी को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज यही तो हम लोग एक नई दिशा में प्रदेश को लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में। यह देश 1947 में आजाद हुआ था, 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारें क्या कर रही थी, आखिर गरीबों को मकान तक क्यों नहीं मिल रहे थे, गरीबों के लिए शौचालय तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे, गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी, उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आत्मनिर्भर भारत भी इसी मजबूत और शक्तिशाली भारत का एक आधार है और इसी ने तो आपने कोरोना कालखंड में देखा दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लटक गई, पूरी तरह पस्त हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा।